डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज टू बी का सेकेंड पार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट में हम थर्ड क्वेश्चन तक सोल्यूशन कर चुके हैं और फोर्थ पार्ट अब स्टार्ट करते हैं हमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और स्टेटमेंट हमें ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में फोर बाय फाइव होल पावर थ्री इंटू फोर बाय फाइव होल पावर माइनस सिक्स इक्वल टू फोर बाय फाइव पावर टू एन माइनस वन यहाँ से हमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो लेफ़्ट साइड में आप देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इनमें बेस सेम है ये फोर बाय फाइव मल्टीप्लाई के केस में हम पावर को क्या करेंगे ऐड तो फर्स्ट स्टेप क्या है अब फोर बाय फाइव पावर थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू फोर बाय फाइव पावर टू एन माइनस वन तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या आएगा फोर बाय फाइव पावर माइनस थ्री इक्वल टू फोर बाय फाइव पावर एन माइनस वन अब आप देखिए लेफ्ट और राइट में यहां इक्वल का साइन है मीनिंग क्या है लेफ्ट साइड किसके इक्वल है राइट साइड के इक्वल है फोर बाई फाइव तो फोर बाई फाइव की इक्वल है यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो ये पावर्स हैं वो भी क्या है इक्वल रीजन क्या है ये बेस इनका इक्वल है और इनके बीच में किसका साइन है इक्वलिटी तो यहां से अब क्या नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा देर फोर माइनस थ्री इक्वल टू एन माइनस वन इनकी पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं टू एन माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ से टू एन इक्वल टू माइनस थ्री माइनस वन को जब हम राइट right साइड में लिखते हैं तो ये प्लस वन टू एन इक्वल टू माइनस टू यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू बाई टू इक्वल टू माइनस वन देर जो एन की वैल्यू आई है वो क्या आई है माइनस वन ये हमारा ए पार्ट था बी पार्ट में स्टेटमेंट ये गिवन है एन इंटू थ्री पावर माइनस फाइव इक्वल टू थ्री अब यहां से आप देखिए इसको जब हम पॉजिटिव पावर में लिखते हैं तो वो क्या लिखा जाएगा एन बाय थ्री पावर फाइव यही आएगा इसको जब हम पॉजिटिव पावर में लिखते हैं इक्वल टू थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई एन इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई थ्री पावर फाइव यहाँ आप वन लिख सकते हो ये थ्री पावर वन है ये थ्री पावर फाइव है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या हो जाएगी एड जब नंबर सेम हो ये बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी एड थ्री पावर सिक्स इसका जो आंसर आप अपने आप फाइंड आउट करोगे थ्री को हमें क्या करना है सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई नेक्स्ट है इसका सी पार्ट सी पार्ट में एन इंटू माइनस फाइव पावर फोर डिवाइड एन स्क्वेयर इक्वल टू फाइव यहां हमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप इसको देखिए जैसे ये लिखा हो एट डिवाइड टू इसको आप ये लिख सकते हो एट बाई टू तो यही हम इसमें लिखने वाले हैं अब एन माइनस फाइव पावर फोर और डिवाइड एन स्क्वेयर इक्वल टू फाइव यहां एन पावर वन है जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहां क्या आ जाएगा एन देखिए यहां एन पावर वन तो माइनस फाइव तो यहां से अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं एन स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं एन इन टू एन एन को हमने टू टाइम क्या कराया है मल्टीप्लाई ये एन से एन कैंसल आउट ये इसकी पावर है फोर अब ये एन कहाँ मल्टीप्लाई होगा फाइव के साथ माइनस फाइव पावर फोर इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई एन अब माइनस फाइव पावर फोर नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर क्या है इवन तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आएगा प्लस में तो अब देखिए आप, आप फ, फाइव को हमें फोर टाइम्स क्या कराना है मल्टीप्लाई तो फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव अगेन फाइव से मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी फाइव और लास्ट टाइम भी हम फाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिक्स ट्वेंटी तो फाइव इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई एन एन के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई में है जब हम इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो डिवाइड में लिखा जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एन इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव बाई फाइव ये कैंसिल आउट वन ट्वेंटी फाइव देर फोर जो एन की वैल्यू आई है वो क्या आई है 125 ट्वेंटी फाइव तो ये हमारा सोल्यूशन था फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड दोकल अब रेसिप्रोकल हम टू ए एक्सरसाइज में कर चुके हैं तो ए पार्ट जो इसका है फोर बाय फाइव पावर टू एन माइनस वन अभी आप सोचिए फोर टू एन माइनस वन ना हो फोर बाय फाइव का रेसी प्रोकल करना है वो क्या आ जाएगा फाइव बाई फोर और पावर इसकी रहेगी सेम तो ए पार्ट में हम क्या करेंगे जो इसका रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा फाइव बाय फोर और पावर क्या रहेगी टू एन माइनस वन ये ए पार्ट का आंसर है अब बी पार्ट में आप देखिए जो पावर्स हैं वो है नेगेटिव पहले इस पावर को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है इसी का यूज़ हम सिक्स क्वेश्चन में करने वाले हैं पॉजिटिव पावर को नेगेटिव पावर में कैसे लिखेंगे इस नेगेटिव पावर को जब हम पॉजिटिव में लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा फाइव बाय टू पावर थ्री ये लिखा जाएगा और सिक्स क्वेश्चन में आपके पास क्या आएगा फाइव बाय टू पावर थ्री को नेगेटिव में लिखना है तो आप यही समझ के चलना सिक्स क्वेश्चन में हमें करना क्या है नेक्स्ट जब इस पावर को हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा फोर बाय फाइव पावर टू अब इसको एक्सपेंड करेंगे फाइव बाई टू फाइव टू एंड फाइव बाय टू इसको टू टाइम्स लिखना है फोर बाय फाइव इंटू फोर बाय फाइव ये दोनों फाइव से एक फाइव कैंसिल आउट और टू को टू से मल्टीप्लाई फोर तो ये फोर भी कैंसिल आउट अगेन टू से कैंसिल आउट करते हैं फोर को तो यहाँ टू आ जाएगा अब नोमनेटर पे हमारे पास जो नंबर है मल्टीप्लाई में वो क्या है फाइव और टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन अब इसका रेसिप्रोकल प्रोकल टेन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा वन बाय टेन तो ये हमारा सॉल्यूशन है फिफ्थ क्वेश्चन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अभी मैंने इस बी पार्ट में आपको सिखाया है कि ये नेगेटिव पावर से पॉजिटिव में कैसे लिखते हैं इसमें आपको पॉजिटिव पावर मिलेगी आपको इसमें चेंज करना है ए पार्ट है जो सिक्स क्वेश्चन का वो ये गिवन है टू बाय थ्री पावर टू इसको हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं थ्री बाई टू पावर माइनस टू यहीं से आप समझिए जैसे लिखा था टू बाय फाइव पावर माइनस थ्री इसको आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे लिखा है ये फाइव बाई टू पावर थ्री अब स्टेटमेंट सिक्स में ये है फाइव बाई टू पावर थ्री इसको आपको नेगेटिव में लिखना है तो क्या लिखोगे इसका रैसी प्रोकल टू बाय फाइव और पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव तो यही अब हमने इसमें लिखा है टू बाय थ्री पावर टू को नेगेटिव एक्सपोनेंट में हम कैसे लिखेंगे थ्री बाई टू होल पावर माइनस टू बी पार्ट में टू पावर माइनस थ्री होल पावर टू तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू टू पावर माइनस सिक्स तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पावर पहले ही किस में है नेगेटिव में सी पार्ट में अब इन दोनों का बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगी पावर एड फाइव मल्टीप्लाई सॉरी फाइव पावर टू प्लस थ्री तो क्या आ गया है फाइव पावर फाइव इसको हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो वो किसके इक्वल होगा वन बाय फाइव पावर माइनस फाइव जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा ये तो ये है इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट अब लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट डी पार्ट में देखिए आप पहले ये पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई माइनस टू फाइव और ये पावर माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू दोनों नंबर नेगेटिव है मल्टीप्लाई में आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव माइनस टू बाय फाइव इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टू वो भी प्लस के अब इसका हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट लिखना है तो क्या करेंगे माइनस फाइव बाय टू और ये पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव तो ये हमारा सॉल्यूशन था सिक्स क्वेश्चन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन की तो देखते हैं ए पार्ट इसका जो है वो है फाइव पावर टेन डिवाइड फाइव पावर एट इक्वल टू वन बाई फाइव पावर एन पहले तो हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं इनका ये बेस जो है वो फाइव है और पावर्स और साइन किसका है इनके बीच में डिवाइड का डिवाइड के केस में क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट तो यहाँ फाइव पावर टेन माइनस एट इक्वल टू वन बाय फाइव पावर एन तो यहाँ से जो आंसर आया है वो क्या है फाइव पावर टू इक्वल टू वन बाय फाइव पावर एन अब इसके बाद आप ये तो नहीं लिख सकते कि एन इक्वल टू टू वो रोंग हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां या तो लेफ्ट साइड में हमें वन बाय फाइव बनाना पड़ेगा या राइट right साइड में हमें फाइव बनाना पड़ेगा तभी इक्वल होंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट हम लेते हैं तो उसको हम क्या राइट कर सकते हैं फाइव पावर माइनस एन ये हम इसको लिखेंगे जब इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो वो क्या आ जाएगा फाइव बाय वन पावर माइनस एन तो इसकी जगह हम डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं तो यहां से जो टू आया है वो किसके इक्वल माइनस एन के और एन इक्वल टू माइनस टू तो ये आंसर है ए पार्ट का यहां से जो एन की वैल्यू आई है वो क्या आई है माइनस टू तो ये कैसे आएगा डायरेक्ट इस माइनस को आप यहाँ समझो यहाँ लगा सकते हो या दोनों साइड माइनस से ही हमने मल्टीप्लाई कराया है बी पार्ट बी पार्ट में लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं ये बेस सेम है माइनस टू बाई थ्री और यहाँ क्या आ जाएगा फोर माइनस थ्री रीजन आपको पता है इनके बीच में डिवाइड का साइन है माइनस थ्री बाय टू पावर एन अब माइनस टू बाय थ्री और फोर माइनस थ्री ये क्या हो जाएगा वन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू पावर एन यहाँ से आप देखिए या तो इसका रेसी प्रोकल कीजिए हाँ माइनस एन आ जाएगा या लेफ़्ट साइड का रेसी सॉरी लेफ़्ट साइड का आप क्या करोगे नेगेटिव एक्सपोनेंट लोगे तो इसका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा माइनस थ्री बाय टू पावर माइनस वन यही सिक्स क्वेश्चन में हमने यही सीखा है अब इक्वल टू थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू पावर एन तो इनको कंपेयर करते हैं दोनों ही माइनस थ्री बाई टू है तो इनकी पावर भी कैसी हो जाएगी इक्वल देर फोर जो एन की वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी माइनस वन की तो ये हमारा आंसर है बी पार्ट का नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट सी पार्ट में भी पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं तो डिवाइड का साइन इनके बीच में माइनस फाइव पावर फोर माइनस टू इक्वल टू फाइव पावर एन तो यहाँ क्या आएगा माइनस फाइव पावर टू इक्वल टू फाइव पावर एन अब आप देखिए फाइव स्केयर अगर आप करते हो तो वो आता है ट्वेंटी फाइव और माइनस फाइव स्क्यर भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर क्या आएगा ट्वेंटी फाइव दोनों से ही आंसर प्लस ट्वेंटी फाइव आया है तो माइनस फाइव स्क्यर के प्लेस पे अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं फाइव स्क्यर प्लस फाइव स्क्वेयर तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं फाइव स्क्वेयर इक्वल टू फाइव पावर एन देअोर यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी टू के ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी सिखाया है ए पार्ट में जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें ये बताया है आपको कि ये कैसे होता है और अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि माइनस फाइव स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव है और प्लस फाइव स्क्वेयर भी ट्वेंटी फाइव है तो माइनस फाइव स्क्वेयर के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं प्लस फाइव स्क्यर तो यहाँ से जो एन की वैल्यू आई है वो आई है टू नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन और इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है अब आप देखिए ब्रैकेट में जो नंबर है हमारा ये नॉन ज़ीरो नंबर है और इसकी पावर ज़ीरो है तो इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो वन और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो पहले इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कीजिए ए पावर क्या हो जाएगी एट माइनस फाइव होल पावर ज़ीरो इक्वल टू ए पावर थ्री होल पावर ज़ीरो तो पावर को हम क्या कराते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई ए पावर जीरो तो आंसर क्या आ जाएगा वन डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो और सॉल्व करके भी इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप वन अब इसका जो बी पार्ट है बी पार्ट में देखिए बी कोई नॉन जीरो नंबर है तो इसकी पावर ज़ीरो तो आंसर क्या देगा वन तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बी स्क्वेयर होल पावर फोर तो यहाँ क्या आ जाएगा बी पावर टू मल्टीप्लाई फोर और मल्टीप्लाई बी पावर ज़ीरो क्या होता है वन तो यहाँ से बी पावर एट मल्टीप्लाई वन क्वल टू बी पावर एट तो ये आंसर है बी पार्ट का नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट सी पार्ट में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है जो आप स्क्रीन पे अब आप देख रहे हो तो सबसे पहले हम नोम पे ही सॉल्व करते हैं पावर्स को माइनस ए पावर माइनस थ्री यहां बी पावर टेन है यहां बी पावर है वन तो मल्टीप्लाई का केस है इनको मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे ऐड टेन प्लस वन और सी पावर क्या होगी यहाँ एट और मल्टीप्लाई में भी क्या है सी पावर एट एट प्लस एट अब डिवाइड बाय यहाँ है पावर फोर इस ब्रैकेट की पावर फोर है तो माइनस टेन को पहले फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस फोर्टी और सी पावर क्या आ जाएगी सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी फोर माइनस ए पावर माइनस थ्री बी पावर इलेवन सी पावर सिक्सटीन डिवाइड बाय बी पावर माइनस फोर्टी और सी पावर क्या है ट्वेंटी फोर तो अब देखिए आप हमें नोमिनेटर पे पॉजिटिव पावर रखनी है जब बी पावर माइनस फोर्टी है ये इसको हम नोमिनेटर पे लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा प्लस फोर्टी और ऐसे ही ए पावर माइनस थ्री को डिनोमिनेटर पे लिखते हैं पॉजिटिव पावर में लिखते हैं तो वन बाय ए पावर थ्री चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको ए पावर माइनस थ्री बी पावर इलेवन सी पावर सिक्सटीन मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर पे जो है इसको हम नोमनेटर पे लिखते हैं पॉजिटिव पावर में तो वन बाय बी पावर माइनस फोर्टी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं नोमिनेटर पे बी पावर फोर्टी और इसको हम क्या लिख सकते हैं सी पावर माइनस ट्वेंटी फोर ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस स्टेप को अब देखिए ए तो इसमें कोई नहीं है तो ए तो सेम रहेगा ऐसे ही ए पावर माइनस थ्री अब मल्टीप्लाई का केस है यहाँ बी पावर इलेवन बी पावर फोर्टी तो क्या हो जाएगा बी पावर इलेवन प्लस फोर्टी और सी की पावर क्या हो जाएगी सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर नेक्स्ट स्टेप ये सेम बी पावर फिफ्टी वन और सी पावर है माइनस एट इन नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव में लिखते हैं तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा माइनस बी पावर फिफ्टी वन डिवाइड बाई इसको जब हम पॉजिटिव पावर में लिखते हैं वन बाय ए पावर थ्री और इस पावर को जब हम पॉजिटिव में लिखते हैं वन बाय सी पावर एट तो ये हमारा फाइनल आंसर है सी पार्ट का अब लास्ट पार्ट है एट्थ क्वेश्चन का और ये स्टेटमेंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट है इसको हमें सॉल्व करना है ये बाहर ये स्क्वेयर लिखा है तो ये नेगेटिव से ये दोनों नेगेटिव साइन है तो ये कैंसल आउट अब नोमिनेटर पे जो हमारे पास नंबर है वो क्या है ए पावर माइनस फाइव डिनोमिनेटर पे क्या है देखना है अब यहां ए पावर टेन है मल्टीप्लाई में ए पावर माइनस फिफ्टीन तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं इस पावर को ए पावर टेन माइनस फिफ्टीन अब ये है बी पावर माइनस नाइन और c पावर क्या है माइनस सेवन यहाँ है c पावर जीरो और c की पावर जीरो है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वन वन को मल्टीप्लाई में आप लिखो या ना लिखो तो उससे कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है अब सॉल्व करते हैं a पावर माइनस फाइव डिवाइड बाय इसको सॉल्व करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा a पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बी पावर नाइन सी पावर माइनस सेवन और यहां होल पावर है टू ये दोनों सेम है नंबर तो ये कैंसल आउट अब वन बाय बी पावर माइनस नाइन सी पावर माइनस सेवन होल पावर टू इसको अब हम पॉजिटिव पावर में लिखते हैं वन बाय बी पावर माइनस नाइन है तो इसको पॉजिटिव में हम क्या लिखेंगे बी पावर नाइन नेक्स्ट को क्या लिखेंगे सी पावर सेवन और होल पावर है टू तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बी पावर नाइन को टू से मल्टीप्लाई एटीन और सी पावर क्या होगी सेवन को टू से मल्टीप्लाई फोरटीन तो ये हमारा फाइनल आंसर है डी पार्ट का तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था इस टू बी एक्सरसाइज का आप इस चैनल के साथ जुड़िए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक like और शेयर कीजिए